माँ सर्वेश्वरी तुम पाही माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा शास्त्री ज्योतिषाचार्य तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको एक ऐसा अद्भुत और सरल उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे आप करके अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण कर सकते हैं, अपने बिगड़े हुए काम बना सकते हैं। और उपाय इतना सरल है मित्रों कि जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। अधिकतर आप सुनते हैं कि उपाय जो आप देखते हैं आपको ऐसा प्रतीत होता है कि काफी कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा सरल अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, जिसे करने में आपको बहुत समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल व्यस्त जीवन है, दिनचर्या से समय निकालना हर के लिए संभव नहीं है। तो मैं ये सब देखते हुए आप लोगों के लिए एक सरल उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसे बताने से पूर्व आग्रह करूंगा, जो भी मेरे चैनल पे नए नए भाई बहन आए हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे वीडियो आप लोगों की समस्याओं को दूर करे, मेरे उपाय करने से आप लोगों की समस्याओं का निवारण हो। और मैं माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनकी समस्त दुखों का अंत हो, उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो, उनके घर में खुशहाली हमेशा बनी रहे। अब मैं आपको बताता हूँ वो बहुत ही अद्भुत और सरल उपाय, और बहुत ही सटीक है। इसको करेंगे एक से दो दिन में आप इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए करना है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक सूखा नारियल लेना है आपको, एक छोटा सा छेद करना है ऊपर में, एक छोटा सा कागज लेना है, उस पे आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो उसमें लिखना है। सबसे पहले आप लिखना है आपको ओम नमः शिवाय। उसके बाद यदि आपको पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प लेना चाहते हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए लिखिए। आपकी कामना धन के लिए है तो धन की कामना है तो मुझे धन दिलाए भगवान, ये लिखिए। या शादी नहीं हो रही है या कुछ भी समस्या आपके जीवन में, कोई काम अटका हुआ है, बिगड़ा हुआ है, नहीं बन रहा है, आय नहीं हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पदोन्नति नहीं हो रही, सब आप लिख सकते हैं उसमें, जो भी आपकी तकलीफ है। उसको लिखने के बाद कागज को मोड़ के उस छेद से नारियल के अंदर सूखे जो नारियल आपने रखा हुआ है हाथ में उसमें डाल दीजिए। डालने के पश्चात एक लाल रंग के रुमाल लीजिए, उसमें उसको पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए और वहाँ पे इसको बांध के आ जाइए, गेट पे या कहीं पे भी आपको जहाँ पे उचित जगह मिलेगा मंदिर परिसर के अंदर, इसको आप बांध करके आ जाइए और भगवान से अपनी मनोकामना को दुहरा लीजिए कि भगवान मैं इस मनोकामना के साथ इस मंदिर में आया हूँ, और इसको जो आप हाथ पे पोटली लेके आए हैं नारियल वाला उसको वहाँ बांध दीजिए। और जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है वापस जाके इस पोटली को खोलना ना भूलिए। खोलने के उपरांत आप इसे जल में प्रवाह कर दीजिएगा। जैसे आपकी मनोकामना पूरी हुई, यदि आप बच्चे के लिए किए हैं, बच्चा हो गया, तो इसको जाइए मंदिर और वहां से पोटली खोल के लाके पानी में प्रवाह कर दीजिए। यदि आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होने के बाद ये कार्य को जरूर करना है आपको। तो बहुत ही सरल और छोटा उपाय है। तो इसके साथ मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।